एक चीज बनता है, वो होता है पैसा। अगर लोग नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। मैं सीधा बात करना चाहता हूँ, पैसों की बात के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप मेरे सामने 50 लोगों का भीड़ जमा करिए, मैं आपको 500 रुपया भी दे दूंगा। ऐसा होता है। आप कितने लोगों को जमा कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मेरे इस चैनल को एक देखिए, अकेला इंसान क्या कर सकता है? और एक अकेला इंसान गरीब नहीं होता, एक अकेला इंसान अमीर भी नहीं होता। एक अकेले इंसान अगर बहुत टॉप पे अमीर है तो उसके नीचे करोड़ों लोग उसके नीचे काम कर रहे होंगे। तो आप लोग अकेले हैं तो अभी अकेलापन को दूर कीजिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए जुलिए, उसको एक साथ लगाइए, क्योंकि अकेले में कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप लोग अकेला काम करना चाहते हैं ना, तो किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए तो करेंगे ना। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसको बेचने के लिए लोग चाहिए। आप लोग लोगों से अगर कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? आप लोग लोगों को अपने पास जोड़िए, जितना हो सके आसपास के लोगों को जोड़िए, उनको उनसे ही तो आपका काम बनेगा। एक पॉलिटिकल लीडर को देखिए, वो कितने सारे लोगों का भीड़ आता है उनको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। वो पैसा वो खेल होता है, जितने सारे लोग जमा होंगे वो उतना पैसा खर्चा करता है उस भीड़ पर। अगर उस भीड़ को जमा कर लिया, उस इलेक्शन को जीत लिया, उसके बाद तो उसके पास पैसे ही बरसात होंगे, पैसों की बरसात होगी। सीधी सी बात है कि आप जितने लोगों को भीड़ जमा करोगे वो आपको उतना पैसा एक सोर्स देता है। लोग, सिर्फ लोग चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस आदमी एक होता है ना, इंसान चाहिए, समुदाय चाहिए, ताकि वो आप उससे आप पैसा कमा सकें। जियो और वोडा, एयरटेल, आइडिया, ये इतने सारे लोगों को अपना सर्विस दे रहा है, इसलिए तो वो इतना ऊंचा गया है, इतना ऊंचा पे रहा है। सिम, हर एक इंसान के पास सिम होता है, पर वो एक इंसान कितने सारे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिए। आप अकेले उस सिम को खरीद के चुप बैठेंगे तो आप आपका सिम बंद हो जाएगा। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप सिम पकड़े हैं या नहीं, आपको रिचार्ज भी डालना पड़ेगा तब आप उस सिम के हकदार हैं। आप हमेशा महीने महीने रिचार्ज करते रहिए, 2-3 महीने अगर बंद कर दिए ना सिम को, यूज़ भी नहीं लाया, तो वो ऑटोमेटिक सिम बंद हो जाता। आप अपने लिए तो सोचिए, बड़े हो जाएंगे आप, एक उम्र आएगा, आप शादी करेंगे, मतलब किसी ना किसी के साथ आप एक संबंध आएगा आपके, आप किसी के साथ रहने लगेंगे। क्या अकेला रहना पसंद करेंगे आप? अकेले रहोगे, एक टाइम आएगा आपका विनाश आएगा, आप खत्म हो जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं रहेगा आपके पास। आपका जीवन आने वाले दिनों में कैसा होगा? ऐसे ही जो कि आप अभी चल रहे हैं, अकेला अकेले जिंदगी जी रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा। बस आप किसी भी फील्ड में हो, आप अगर 50 आदमी को रोज दिन सर्विस दे रहे हो तो आपको हर दिन का बहुत सारे आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप उससे जितना ज़्यादा सर्विस दोगे वो उतना आपको पैसे देंगे। मैं घूम फिर कर एक बात करना चाहता हूँ। अकेलापन से शुरू हुआ था, यहाँ भीड़ आ गया, इलेक्शन का टाइम आता है तो इतने सारे भीड़ आ जाते हैं, उसी को मैं सुनना बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी लोगों को जमा करना सीखिए। जमा करना बोल उनको, उसको भाषण सुनना मतलब पसंद होता है कि कोई सुनाए कुछ बातें तो वो सुनेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ समय के लिए सुनेंगे, पर उसी समय में आप अपने आप को प्रमोट, अपने आप को ऊंचा लेवल में दिखाएंगे तो आपका एक ब्रांड भी बनता है। कितने सारे लोग सेलिब्रिटीज होते हैं, आप एक हीरो को देख लीजिए, फिल्म बनाता है, फिल्म बनाए क्या वो थिएटर पर दिखा के, कोई इंसान, सिर्फ इंसान ही तो आते हैं देखने के लिए, कोई दूसरा कोई नहीं आता देखना, इंसान के लिए ही हर कुछ किया जाता है। तो आप लोग सोचिए कि इंसान के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप एक इंसान को जीना सिखा दिए, उसको खाना सिखा दिए, उनको पीना सिखा दिए, वो अगर आप सिखाना जानते हैं, किसी इंसान को कुछ करवा रहे हैं, आप खुद से ऐसा करवा रहे हैं किसी इंसान को, मतलब आप लोगों के लिए बनेगा, बहुत अच्छा खासा बनेगा। इंसान को जमा करना सीख गए तो आप उन्हीं में से पैसा भी कमाना सीख जाएंगे। तो मैं एकदम पॉइंट में आता हूँ कि इंसानों को जमा करना सीखिए तो आप लोग पैसा जमा करना सीख जाएंगे। जितने ज़्यादा इंसान आप जमा करेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। मैं सीधी बात और इधर बोलता हूँ दोहरा के, 50 आदमी का भीड़ जमा करो, मैं अभी आपको 500 रुपये दे दूंगा, ताकि वो 50 आदमी मेरे भाषण को सुन सके। अगर आप लोगों का दिमाग खुल रहा है तो मैं एक बार और फिर से उसको साफ कर देता हूँ। घर किसके लिए बनाते हैं?
सड़कें किसके लिए बनाते हैं? अगर कोई पेन है लिखने के लिए, वो कौन लिखता है उससे? उसका आविष्कार क्यों किया गया, किसके लिए किया गया? कोई बल्ब है, बल्ब बत्ती लाइट जलता है, वो क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है? समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ इस दुनिया में बनाया गया वो सिर्फ इंसान के लिए है। आप लोग इंसान के लिए करेंगे तो आप लोगों को भी एक मुकाम हासिल होगा। अगर किसी भी प्रकार से आप लोग अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो ज़रूर मेरे कोई भी भाई बहन आप देख रहे हैं, मैं जोर देकर कहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करो पर इंसान के लिए करो, खुद के लिए नहीं, इंसान के लिए करेंगे खुद इंसान आपको देगा। समझने की कोशिश करो। पेन बनाओ, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी बना है तो वो इंसान के लिए बना है। आप लोग भी इंसान के लिए बनाओगे, इंसान के लिए ही करोगे तो आपका ही फायदा होगा। आप भी एक इंसान हैं, आपका ही फायदा होगा, ये बात समझ लो। तो मैं इतना ही कहकर आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि कोई अगर सोए सोए दिन गुजार लेता है तो उसका क्या गया, कुछ नहीं गया, पर किसी को कुछ मिला भी नहीं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं, आदमी को समझाने के लिए मैं आप लोगों को ही तो समझा रहा हूँ, एक इंसान को ही बता रहा हूँ, दूसरे किसी को नहीं। मोबाइल एक इंसान के लिए बनाया गया है, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब इंसान के लिए बनाया गया वो चीज़ इतना सफल है तो आप लोग इंसान के लिए क्यों नहीं कर सकते? इंसान के लिए कीजिए, आप लोग भी सफल हो जाएंगे। एक होटल होता है, उसमें लोग काम करते हैं, उसमें लोगों के लिए सर्विस दिया जाता है। एक बड़ा सा ताजमहल है, वो लोग इंसानों के लिए है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे लोग घूमते हैं, जाते हैं घूमने के लिए, इंसान के लिए ही है। एक बड़ा सा दिल्ली शहर, वहाँ पे इंसान ही रहता है, वहाँ पे घूम रहता है, अपनी ज़िंदगी बसर करता है। एक घर बड़ा सा, वहाँ पे इंसान के लिए है। कोई क्रिकेट टीम को देख लो, उसमें एक खिलाड़ी खेलता है क्या? 11 खिलाड़ी चाहिए खेलने के लिए, अलग से खेल खेल रहा है, उनको देखने के लिए ऑडियंस भी चाहिए, तब जाके खेल बनता है। नहीं तो कोई भी टीम अगर खेल रहा है बिना कुछ किए खेल के निकल गया, कुछ अता पता नहीं चलेगा। अगर एक टीम इंडिया अगर कोई टीम साथ में खेल रहे हैं तो उसको देखने के लिए इतने सारे ऑडियंस जमा होते हैं, उसी से एक चीज़ बनता है, वो होता है पैसा। अगर लोग नहीं रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं सीधा बात बोलना चाहता हूँ, पैसों की बात के बारे में बोलना चाहता हूँ। आप मेरे सामने 50 लोगों का भीड़ जमा करिए, मैं आपको 500 रुपया भी दे दूँगा। ऐसा होता है? आप कितने लोगों को जमा कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं।